हेलो स्टूडेंट्स uh, आज मैं आपको कर्सोरियल अडाप्टेशंस के बारे में बताऊंगी कर्सोरियल फिगर में पहले वाले में यहाँ पर ये तीन एनिमल्स दिख रहे हैं ये एसिनोनिक्स है चीता आ, ये डियर है ये हॉर्स है तो इनके लिम्स देखिए आप यहाँ पर इनकी जो लिम बोन्स हैं ये इलोंगेटेड हैं सबकी लंबी लंबी हैं और आ, कोई भी जो कर्सोरियल अडेप्टेसन वाला एनिमल है उसको उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि वो तेज़ दौड़ सके यानी स्पीड चाहिए उसको तो ये कर्सोरियल अडेप्टेसन एक प्रकार की स्पीड अडेप्टन होती है इस अडेप्टन को हम कह सकते हैं कि ये एनिमल्स का अर्थ की सरफेस पर ओपन एनवायरनमेंट में या जिसे हम टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट बोलते हैं उसमें तेज़ दौड़ने के लिए जो एनिमल में चेंजेस पाए जाते हैं बॉडी चेंजेस उनको या अडेप्टंस पाए जाते हैं उनको हम कर्सोरियल अडाप्टेशन्स कहते हैं जनरली ये अडेप्टेशन उन एनिमल्स में इफ़ेक्टिव होते हैं जो कि शिकारी होते हैं या शिकार होते हैं प्रिडेटर या प्रे जो होते हैं उनमें पाई जाती है क्योंकि उन्हीं को ही तेज़ दौड़ने की आवश्यकता पड़ती है लोकोमोशन के समय अधिकतर बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो ज़मीन से दूर रहते हैं डिटैच रहते हैं वो अलग रहते हैं जिससे कि कम से कम फ्रिक्शन हो क्योंकि फ्रिक्शन जब भी होता है तो वो आप एनिमल की स्पीड को कम कर देता है तो एनिमल जो है उसको आ, जब भी तेज़ दौड़ना होता है तो उसको नेविगेशन के लिए मतलब दिशाओं का ज्ञान और आ, किस दिशा में दौड़ना है कैसे दौड़ना है वो उसको पूरा नेविगेशन करने के लिए उसके सेंस ऑर्गन्स बहुत अच्छे डिवेलप होने चाहिए इनकी जो लिम्स जो होते हैं वो प्रोपेलिंग ऑर्गन मतलब आगे बढ़ाने का काम करते हैं एनिमल को जब भी एनिमल धरती पर दौड़ता है तो वो एक प्रकार का लीपिंग मूवमेंट होता है जिसमें कि चारों लिम्स उसके चारों पैर जो होते हैं वो काम में आते हैं एक्सटेंडेड बॉडी uh, जो होती है वो फोर लिम्स uh, होते हैं जो लिम्स जो होते हैं वो जनरली एक्सटेंडेड होते हैं और बॉडी को uh, आगे मतलब रन करने में फॉरवर्ड रनिंग में फॉरवर्ड uh, धकेलने में या फॉरवर्ड ले जाने में uh, काम आते हैं लार्जर लिम्स होते हैं एनिमल के कर्सोरियल एडापेशन वाले एनिमल्स के जो कि उसकी बॉडी को सपोर्ट करते हैं और बॉडी का uh, जो हैवियर पार्ट होता है एंटीरियर हैवियर पार्ट उसको आगे की तरफ आ, भेजते हैं आगे की तरफ धकेलते हैं फोर लिम्स क्योंकि मुंह के पास होते हैं तो वो जनरली तेज़ दौड़ने की जगह वो फूड कलेक्शन का ज़्यादा उनका मेजर फंक्शन होता है दौड़ने का काम तो करते ही हैं वो काम में आते ही हैं फोर लिम्स लेकिन जनरली क्योंकि मुंह के पास होते हैं इसलिए तो फूड कलेक्शन का उनका मेजर फंक्शन होता है अब आ, कर्सोरियल अडेप्टेशन वाले एनिमल्स में फुट पॉस्चर वो चेंज हो जाता है आप इस फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे फुट पॉस्चर अलग अलग प्रकार का है पहले फिगर में देखिए ये अंगुली ग्रेड है सेकंड आप पिक्चर में जो है वो डिजिटी ग्रेड स्टांस है और थर्ड में प्लांटी ग्रेड फुट पॉस्चर पाया जा रहा है तो प्रिमिटिव टेरेस्ट्रियल फुट पॉस्चर जो था वो वो होता था अंगुली ग्रेड और इस अंगुली ग्रेड फुट पॉस्चर से अंगुली ग्रेड फुट पॉस्चर किस में पाया जाता है आपने देखा होगा उन एनिमल्स में जहाँ पे जैसे अ, कैटल वगैरह उनमें पाया जाता है फिर उसके बाद अ, आया जो डिवेलप फॉर्म था दैट ग्रेड कंडीशन सॉरी ग्रेड कंडीशन थी तो जिसमें कि ये फिंगर्स में डिजिट्स डिवेलप हो जाते हैं फिर उसके बाद क्या थर्ड कंडीशन थी प्लान्टीग्रेड जिसमें कि लेंथनिंग ऑफ लिम्स हो गई और लेंथनिंग ऑफ लिम्स हो जाती है और uh, और एनिमल जो है वो अपने टोज पे हो जाता है तो आ, मतलब प्लांटीग्रेड कंडीशन अर्लीस्ट उसके बाद डिजिटीग्रेड कंडीशन और उसके बाद अंग्योलीग्रेड कंडीशन आप देख सकते हैं तो जो कर्सोरियल एनिमल्स हैं उनमें हम देख सकते हैं कि लिम बोन्स देखिए आप कितनी इलोंगेटेड हैं यहाँ पे जो अर्ली प्लांटीग्रेड कंडीशन में जो छोटी होती थी वो अब डिजिटीग्रेड कंडीशन में धीरे धीरे बड़ी होती हैं डिजिट्स डेवलप हो जाते हैं और अंग्योलीग्रेड में ये और इल, आ, आ, लेंथन हो जाती हैं इनकी जो लिम बोन्स होती हैं इलागेट हो जाती हैं और आ, साथ में हुव्स डेवलप हो जाते हैं तो हम फुट पोस्चर में चेंज को ऑब्जर्व कर सकते हैं तो अब जानिए कि प्लान्टीग्रेड डिजिटीग्रेड एंड अंगुली ग्रेड कंडीशन क्या होती है तो आ, Uh, अब देखिए बबून्स और मैन के अंदर देखिए आपकी uh, जो आप आप मैन का एग्जांपल ले सकते हैं जानते हैं क्योंकि आप बाकी प्राइमेट्स में मंकीज़ वगैरह रकून बियर इनमें भी ये कंडीशन पाई जाती है कि जो इंटायर पाम जो होता है हथेली या पैर का तलवा जो होता है सोल जो होता है वो ज़मीन पर रेस्ट करता है ठीक है दूसरी कंडीशन क्या होती है कि एनिमल्स uh, uh, चल सकते हैं या दौड़ सकते हैं सिर्फ अपने डिजिट्स को धरती पर रखकर ज़मीन पर लगाकर उनके डिजिट्स में क्या डिजिट्स किससे बने हुए हैं कार्पल्स हाथ के अंदर जो होती हैं बोन्स डिजिट्स की दैट दे आर नोन एज कार्पल्स और पैर के अंदर उन्हीं को हम टारसल्स कहते हैं तो मेटा कार्पल्स एंड मेटा टार्सल्स जो होते हैं वो ज़मीन से ऊपर रहते हैं उस कंडीशन को हम डिजिटिग्रेड uh, कंडीशन कहते हैं और ये uh, इसके एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हुए हैं आपको कि डॉग फॉक्स और हाइना जो होते हैं इनके अंदर ये डिजिटी ग्रेड कंडीशन पाई जाती है फिर नेक्स्ट uh, कंडीशन जो है आपकी लास्ट वाली दैट इज़ ग्रेड कंडीशन तो इ, इस पोस्चर में क्या होता है कि एनिमल्स uh, अपने uh, उनकी जो डिजिट्स होते हैं वो मॉडिफाई uh, हो जाते हैं और कवर हो जाता है नेल्स कन्वर्ट हो जाता है नेल्स या हूफ में और दे आर सपोर्टेड बाय फिंगर और टोज उनके एक या दो फिंगर या टोज साथ में हो सकते हैं जो उस हुफ को सपोर्ट करते हैं ऐसी अंगुलिग्रेड कंडीशन एंटीलोप में या डियर में जैसे आ, आपको पिक्चर में दिखाया था इनमें या हॉर्सेज में पाई जाती है जनरली तो तीन कंडीशन यहाँ पर मैंने आपको बताई फुट पॉस्चर की दैट इज़ प्लान्टीग्रेड जिसमें पूरी हथेली या पैर का सोल रेस्ट करता है ज़मीन पर डिजिटीग्रेड जिसमें सिर्फ डिजिट्स पर एनिमल के लिम्स रेस्ट करते हैं धरती पर और अनगुलिग्रेड अंग्युल, कंडीशन में मॉडिफाइड uh, हो जाती हैं फिंगर डिजिट्स जो हैं वो नेल में या हूफ में हो जाते हैं और साथ में एक या दो फिंगर या टोज प्रेजेंट होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं हूफ्स को ओके दिस इज़ अंग्रेट कंडीशन अब आ जाइए नेक्स्ट मॉडिफिकेशन एनिमल्स का होता है कि उनके उनमें डिजिट्स का जो तेज़ दौड़ने वाले एनिमल्स होते हैं उनमें डिजिट्स का लॉस हो जाता है डिजिट्स ख़त्म हो जाते हैं और होफ डेवलप हो जाता है जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि इन्वायरमेंट के लिए में स्पीड एडेप्टन के लिए उनका आ, एनिमल्स के जो लिम्स हैं उनमें पाए जाने वाले डिजिट्स का रिडक्शन हो जाता है नंबर ऑफ़ डिजिट्स रिड्यूस प्लान्टीग्रेड एनिमल में जनरली फाइव टोज होते हैं पाँच अंगुलियाँ होती हैं डिजिटीग्रेड में चार होती हैं नॉर्मली और अंगिली ग्रेड में दो ही डिजिट्स पाए जाते हैं यानी रिडक्शन हम क्लियर कट देख सकते हैं फ्रॉम प्लान्टीग्रेड टू अंगीग्रेड कंडीशन अब आ जाइए नेक्स्ट अडाप्टेशन पर तो कर्सोरियल एनिमल्स में रेडियो और अलना बोन्स जो कि आम uh, की बोन्स हैं और फोर uh, आर्म्स की तो रेडियो अल्ना जो होती है और लेग्स में यानी जो हाइंड लिम्स हैं उनमें पाए जाने वाली टिबिया फिब्यूला है वो कम हो जाती रिड्यूस हो जाती हैं वो और ऐसा इसलिए होता है कि एनिमल स्पीड अटेन कर सके स्पीड में दौड़ सके अब कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें एक्सक्लूसिवली लोकोमोटरी लिम्स होते हैं सिर्फ चलने के काम आने वाले जो लिम्स हैं उनमें uh, उनमें अलना और फिब्यूला uh, अलना मतलब जो हैंड में पाई जाती है फोर आर्म में और फिब्यूला जो uh, uh, फोर लेग में पाई जाती है या हाइंड लिम में पाई जाती है तो अलना और फिब्यूला है वो रिड्यूस हो जाती हैं जो बिल्कुल चलने का काम होता है जिन एनिमल्स का उनमें ये वाली बोन्स रिड्यूस हो जाती हैं क्योंकि ये थिन बोन्स होती हैं अगर आप फिगर देखेंगे कभी तो आप देखें पिक्चर देखेंगे इसकी आम की तो आप देखेंगे कि रेडियो रेडियो बोन जो है सॉरी uh, अलना बोन जो है वो बहुत ही पतली होती है ओके okay? अब लेंथनिंग ऑफ लिम्स पाई जाती है कर्सोरियल एनिमल्स में तो वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनको दौड़ना होता है कर्सोरियल एनिमल्स में तेज़ दौड़ने के लिए ये अडेप्टशंस पाई जाती हैं तो इन इनकी जो एक एक कदम है वो लंबा होता है जो उसका लॉन्ग स्ट्राइड होता है और जो मसल्स होती हैं प्रोक्समल पार्ट लिम्स के प्रोक्मल पार्ट में वो कंसनट्रेट होती हैं उस रीजन में जिससे कि वो लोअर लेग्स को पावर दे सकें और इसके लिए उनके उन बोन्स के साथ में टेंडन्स अटैच्ड होते हैं सोल और पाम की बोन्स फ्यूज़ हो जाती हैं और एक बोन बनाती हैं जिसका नाम है कैनन बोन ये कैनन बोन लिम्स की लेंथ को बढ़ाती है इंक्रीज कर देती है इस प्रकार का फ्यूजन जब होता है स्मॉल बोन्स का तो आ, धरती पे जब दौड़ता है एनिमल तो उसमें मिनिमम फ्रिक्शन होता है बोन्स के बीच में जो छो क्योंकि छोटी छोटी बोन्स अगर होंगी तो उनमें दौड़ते समय फ्रिक्शन उतना ही अधिक होगा तो अगर बोन्स का नंबर रिड्यूस हो जाएगा स्मॉल बोन्स का तो फ्रिक्शन उतना ही कम हो जाएगा और एनिमल को तेज़ दौड़ने में आसानी होगी तो स्मॉल बोनी पीसेस जो होते हैं उनमें फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए फ्यूजन हो जाता है छोटी बोन्स का लिम्स की अब देखिए कर्सोरियल एनिमल्स जो हैं उनमें Uh, एक कंडीशन uh, अपना ली जाती है uh, जिसे हम बोलते हैं बाई पीडालिटी बाई पीडो वर्ड जो है दैट इज़ या पीडल वर्ड जो है वो रिलेटेड है चलने से तो बाई पीडल मीन्स जब एनिमल दो लिम्स पर uh, या uh, दो लिम्स पर ही चलता है तो उसको हम बाई पीडल लोकोमोशन कहते हैं बाई पीडल कंडीशन कहते हैं तो एनिमल जनरली बाई अटेन कर लेते हैं करसोरियल uh, अडेप्टेशन वाले एनिमल्स तो uh, दो पैरों पर चलने वाला जो मोड ऑफ प्रोग्रेशन है वो कई सारे वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है ह्यूमन फीट में ही हम देख सकते हैं कि वो बाइपीडल मूवमेंट के लिए सेकेंडरीली अडेप्टशन ह्यूमन बींग्स में आ गई है फिर हाइंड लिम्स बेटर के बेटर डेवलपमेंट के लिए uh, और फोर लिम्स का रिडक्शन देखा गया लिम्स तो बेटर डिवेलप होते हैं और फोर लिम्स कम होते हैं कंपेरेटिवली कम डिवेलप्ड होते हैं बाईपीडल फॉर्म्स में हाइंड लिम्स एक्सक्लूसिवली लोकोमोटरी एजेंट का काम करते हैं और कर्सोरियल अडाप्टेशन के लिए डिवेलप्ड होते हैं ये इन uh, एनिमल्स में बाईपीडल एनिमल्स में इक्ुलिब्रियम uh, के मेंटेनेंस के लिए इक्ुलिब्रियम uh, का मेंटेनेंस आवश्यक होता है तो जो सेमी इरेक्ट बाईपीडल एनिमल्स है मतलब जो बिल्कुल अच्छे से सीधे नहीं खड़े हो सकते जो एनिमल्स दो पैरों पर उनमें टेल एक प्रकार से बैलेंसिंग ऑर्गन का कार्य करती है और इसीलिए हम उसको कहते हैं काउंटर पॉइज करती है बॉडी का जो पॉस्चर है उसको बैलेंस करने का काम करती है राइट नेक्स्ट अडेप्टेशन है एनिमल्स के सेंस ऑर्गन्स में कर्सोरियल एनिमल्स आ, के सेंस ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं क्योंकि उनको आ, अपने आसपास जो जितने भी कंडीशंस हैं उनका उसका ज्ञान रहना चाहिए चलने के लिए उनको जिस दिशा में दौड़ना है नेविगेट करना है उसके लिए उनको सेंस ऑर्गन्स की हेल्प चाहिए होती है और आ, ऐसे में उनके ऑडिटरी ऑडिट्री मतलब जो सुनने से संबंधित हैं और फैक्ट्री जो सूँघने से घ्राण शक्ति से संबंधित है और विजुअल सेंसेस यानी देखने वाले जो सेंसेस हैं आइज़ हैं वो एक्सट्रीमली डेवलप्ड होनी चाहिए जिससे कि वो आराम से तेज़ दौड़ सकें फिर ऐसे एनिमल्स uh, जो हैं जिनमें कि स्पीड uh, 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 होती है या जो कर्सोरियल एडेप्रेशन के लिए बने हुए एनिमल्स हैं उनमें uh, ये देखा गया है कि वो अपने जो उनके जो बच्चे होते हैं यंग वंस होते हैं उनको उनको वो हेल्पलेस मतलब बिना सहायता के वो नहीं छोड़ सकते उसके लिए उनको अपने यंग वंस को वो या तो अपने किसी हाइड आउट या जहाँ पे भी वो रहते हैं उनकी प्ले रहने की प्लेस है इन एनिमल्स की डेन वगैरह हो सकती है जैसे कुछ कसूरी एनिमल्स की तो वहाँ पर वो अपनी मदर की केयर में रहते हैं दे आर टेकन केयर ऑफ़ बाय देयर मदर तो प्रोटेक्टेड uh, कंडीशन में रहते हैं ऐसे यंग uh, फिर uh, कुछ कार्निवोर एनिमल्स हैं उनके यंग बहुत ही वीक होते हैं और रोडेंट्स uh, जो होते हैं रोडेंट्स uh, मींस, जैसे रैट्स uh, हैं रैबिट्स हैं ये सब रोडेंशिया के हैं एनिमल्स तो इनमें रोडेंट्स uh, जो होते हैं इनमें uh, ये काफ़ी लंबे समय तक अपने यंग वंस को छुपा के रखते हैं uh, क्योंकि uh, इनकी यंग वंस बहुत ही वीक होते हैं कैंगरूस को आप जानते हैं उनमें एक उनकी बॉडी में पाउच पाया जाता है जैसे हम मार्सुपियम कहते हैं जिसमें वो अपने बच्चों को कैरी करते हैं अपने साथ में तो यंग वंस ऑफ अदर एनिमल्स ऑल्सो कीप अप विद दिस जो जनरली हर्ड में रहते हैं एनिमल्स और उन एनिमल्स को भी हर्ड में उनकी केयर की जाती है और उनको उनके हर्ड के साथ में ही रखा जाता है एक बार मतलब बर्थ होने के जस्ट बाद में ही वो हर्ड के साथ में रहने लग जाते हैं प्रोटेक्टेड कंडीशंस uh, में रहते हैं सेम मेंटल प्रिकॉसिटी कहते हैं मतलब यंग वर्स जब वीक हैं तो उनकी uh, जो केयर um, जो है वो उनके पेरेंट्स करते हैं पेरेंटल केयर पाई जाती है ऐसे एनिमल्स में तो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्रसोरियल अडेप्टेशन्स So, uh, you keep studying, uh, students, and uh, if you have any query, um, um, please revert back. I will be happy to solve it. Thank you so much.